अस्सलाम वालेकुम गाइस गाइस, आज हमने आपके लिए वीडियो लेके आए हैं। ठीक है, नोकिया 105 है, ये नोकिया 105 अभी इसको खोला है, ये ऑन नहीं हो रहा। अभी इसको चेक करते हैं क्या इशू है, पावर ऐसी में है कि कोई और है। ठीक है, हम सप्लाई पे लगा रहे हैं इसको। हेलो हेलो, ये हमारा सेट सप्लाई पे लग चुका है। ठीक है, ये पावर ऑन वाले बटन को ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें कोई भी लोड नहीं आ रहा सप्लाई पे, सप्लाई जीरो पे है। ठीक है, हम अभी इसको चेक करते हैं कि क्या इशू है। ये देखें, इस पर भी लोड आ रहा है, इस पर भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है लोड। और ये देखें कि यहाँ पे कुछ रजिस्टर ने लगी हुई होती हैं। ठीक है, ये नहीं लगी हुई। ठीक है, हम इनको लगा के देखते हैं कि किस चीज़ का इशू है, इनका इशू है, इन रजिस्टरों का इशू है या एसी में है, क्या इशू आ रहा है इसका, हम देखते हैं। हम किसी और बोर्ड से निकाल के ना लगाते हैं। ये एक और बोर्ड है। ठीक है, नोकिया 105 का, इसमें से निकालेंगे हम। सबसे पहले आपने ये करना है कि ये प्रोडक्टर उतार लेना है। ठीक है ना, क्योंकि हीट की वजह से जो है ना ये पिघल जाता है। फिर ये देखें, ये वाले उड़े इसमें नहीं है। ये कैपेसिटर है, डायोड है और ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हम चेंज करते हैं। तनख्वाह चौक ले गए ना पानी। ये देखें कि हमने ये उतार लिया रिस्ट ने। जी ये देखें कि रजिस्टर लग चुकी है। ठीक है, हम आप सप्लाई पे चेक कर रहे हैं कि ऑन होता है कि नहीं होता। ठीक है, ये देखें अभी प्रोडक्टर लगा रहे हैं इसका। ये लग गया है। ठीक है, ये रजिस्टर भी लगा दिया हमने। ठीक है, ये देखें अभी हम सप्लाई पे ऑन कर रहे हैं। ठीक है, ये देखें सप्लाई पे अब ये सेट ऑन हो गया। ठीक है, ये देखें लोड भी आ गया, ये वर्क भी कर रहा है। ठीक है, ये सेट ऑन हो गया अभी। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें।